नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और उत्तर प्रदेश की सियासत। यूपी में पहले चरण के चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, बस 5 दिन बाद चुनाव प्रचार पर पाबंदियां लग जाएंगी। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो जाएगा और कई राजनीतिक दलों के नेताओं का भविष्य भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। दरअसल इस बार यूपी चुनाव में भाजपा और सपा के साथ ही कांग्रेस भी जमकर ताल ठोक रही है। प्रियंका गांधी ने नारा भी दे दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भरोसा भी जता दिया कि कम से कम कुछ इनके अपने इलाके में तो हाथ मजबूत कर दिए जाएं। अब देखिए, कांग्रेस की ओर से यूपी चुनाव को लेकर पिछले दिनों पहले चरण के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की फहरिस्त जारी की गई थी। हालांकि उसमें से एक विकेट गिर गया था, लेकिन राजस्थान से उस लिस्ट में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और धीरज गुर्जर को शामिल किया गया था। जाहिर है आलाकमान को भरोसा था कि ये नेता नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें काफी कुछ नया दिख रहा है। दरअसल इस लिस्ट के जारी होने के बाद से ही सचिन पायलट ने तो अपनी गाड़ी यूपी की तरफ दौड़ा दी, और अब तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन पायलट का यूपी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क नहीं होता हो। अब इन सब में खास बात ये कि कल भी पायलट दो जगह, गाजियाबाद के नियायतपुर और हापुड़ के मतनोरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे। दरअसल पायलट इस वक्त पश्चिमी यूपी में पूरी तरह सक्रिय है, और माना जा रहा है कि यहां पर जाट और गुर्जर मतदाताओं की तादाद भी ठीक है, और इस बात को प्रियंका गांधी भी अच्छे से समझ रही हैं। अब इसे यूं मान लिया जाए कि प्रियंका को पायलट पर ज्यादा भरोसा है और इसीलिए उन्हें इन इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बात करें सूबे के मुखिया और यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए तय किए गए स्टार प्रचारक अशोक गहलोत साहब की, तो साहब इन्होंने शायद अभी यूपी का मानस नहीं बनाया है। कांग्रेस के हलकों में अब ये चर्चाएं भी आम होने लगी है कि जब स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में अशोक गहलोत का नाम शामिल किया गया तो गहलोत यूपी चुनाव प्रचार में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। खैर, यहां वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि जिस तरह राजस्थान में अभी कई मसले गरमा रहे हैं, वजह वो भी हो, या फिर जल्द ही शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर वो बिजी हो। लेकिन जो भी हो, चर्चाएं तो हो ही जाती हैं। लेकिन हां, इस सब के बीच इतना तो जरूर है कि यूपी में होने वाले चुनाव के बाद शायद एक बार फिर सचिन पायलट आलाकमान के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि अब तो ये भी कह चुके हैं कि अब समय ही कितना बचा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव का, तो कम से कम अब तो कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल ही जाना चाहिए। लेकिन जनाब, बस तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, और यही है असल सियासत की कहानी। नमस्कार।